राजद सांसद मीसा भारती पप्पू यादव के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए आज पटना से पूर्णिया के लिए रवाना हो गई। रवाना होते समय उन्होंने नीतीश सरकार को घेरा, कहा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्री जनता को बताएं कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। दानापुर दियारा का पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ था, लेकिन बाढ़ प्रभावितों को कुछ नहीं मिला। इस इलाके को बाढ़ग्रस्त भी घोषित नहीं किया गया। कान पे जू तक नहीं रहेगी, वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। जिस तरह से भी हम लोगों ने वहाँ के पदाधिकारियों से थोड़ी बहुत जो बात करके जो मदद हो पाया वो हम लोगों को तक पहुँचा पाए हैं। तो सरकार को संवेदनहीन नहीं रहना है, मतलब उनको ट्वीट किया है बिहार और बलात्कार को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार का आप अपमान कर रहे हैं और सत्ता संरक्षित अपराध सीएम हाउस से होता था आपके वक्त में, क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं बार बार यही, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग या विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं यही आरोप लगाते हैं कि घटना आज घटती है और चर्चा हम 20 साल 22 साल 25 साल पहले की करते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना आज घटी है। सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार का नेतृत्व ये लोग करते हैं, जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है प्रशासन पे। आपको लगता है कि बिहार में एक भी मीटिंग जल संसाधन विभाग की नहीं हो रही है? नीतीश कुमार कोई समीक्षा बैठक नहीं कर रहे हैं? सरकार में हूँ ना हम लोग उसमें है, तो ये तो सरकार को सोचनी है ना। बार बार हम यही चर्चा कर रहे हैं, सरकार को सोचनी है कि वो बैठक करेंगे या कर रहे हैं तो उसकी जानकारी मीडिया को और बिहार के जनता को नहीं मिल रही है। तो हो क्या रहा है मीडिया भी जानना चाह रही है, हम लोग भी पक्ष के नेता भी जानना चाह रहे हैं और बिहार की जनता भी जानना चाह रही है। आज पूर्णिया जा रहे हैं आप, क्या कार्यक्रम है वहाँ आपका? देखिए, पूर्णिया जाना एक परिवार से भी पता